अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आज आसिफ साहब राष्ट्रवादी पार्टी का जलसा है, उसी जलसे में हम जा रहे हैं और ये देख सकते हो ये पूरी भीड़, पूरी रैली आसिफ साहब की भीड़ में जा रही है। और यहाँ से अभी कुछ दूरी पे जलसा है, वहाँ पे हम सब जन जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद आपको पूरा उसका वीडियो बताएंगे। इसके लिए वीडियो पे बने रहना। अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं और देखो ये यहाँ से अभी हम पहुँच चुके हैं और ये बाहर देखो इतनी पब्लिक है। अभी जलसा चालू नहीं हुआ है, भाषण चालू नहीं हुआ आसिफ साहब का, फिर भी पब्लिक देखो कितना है। और ये अंदर जा रहे हैं हम, देखो अभी अंदर की पब्लिक दिखाते हैं आपको। ये अंदर देखो कितना पब्लिक है, इतना पब्लिक है बाप रे। कोई भी पार्टी में रहा आसिफ साहब की रैली में इतना, अभी तो और पब्लिक आने वाला है, अभी सब आए नहीं है ना, अभी आसिफ साहब आए ले ना और दूसरी जो राजनेता है वो भी नहीं आई है, फिर भी देखो कितनी पब्लिक है। अभी जब आसिफ साहब आएंगे तो आप पब्लिक देखना कितना होगा और भीड़ कितना होगा। तो वीडियो पूरा देखते रहना दोस्तों। अभी यहाँ देखिए कितना ने एक आदमी है जो भाषण दे रहा है कि आसिफ साहब आए नहीं है, जब तक कि दूसरा आदमी भाषण देते रहेगा और पब्लिक बैठे रहेंगी। ये भी पब्लिक इतनी है कि पूछो मत, पब्लिक तो आपको दिखा रहा है, कितनी पब्लिक दिख रही है, जहाँ तक देखो पब्लिक दिख रहा है। और बाहर भी कितनी पब्लिक कुर्सी लगा के बैठी हुई है, बैठी हुई है पब्लिक, कितनी रोड पर खड़ी हुई है और पब्लिक आने वाली है। देख रहे आप कितनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक तो रे बाप। कोई राजनेता की इसमें नहीं रहती मालेगांव शहर के अंदर जितनी आसिफ साहब की रैली में पब्लिक इतनी है। यहाँ पर रशीद साहब का भी बैनर देखो दिख रहा है, रशीद साहब का भी विचारों का बैनर लगा हुआ है। आज रशीद साहब होते तो भाषण में ज़रूर होते, बाकी चलो जो हो गया। बाकी यहाँ पे बाहर भी एक स्क्रीन लगा हुआ है और अंदर भी एक स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन टीवी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन पूरा लगा हुआ है। और एक आदमी है जो भाषण दे रहा है, उसका बता रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो इधर कितना ने क्लैरिटी कैमरे की कितनी ज़बरदस्त है कि डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर एकदम क्लियर आ रहा है। पूरी पब्लिक खड़े होकर कुछ देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है, सब बाहर देख रही है और क्या दिख रहा है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या है। चलो अभी हम जाके देखते हैं बाहर क्या है। ऐसा लग रहा है कि आसिफ साहब आ चुके हैं, आसिफ साहब ही दिख रहे, लगता आसिफ साहब आ चुके हैं। ये देखो पब्लिक पूरा आसिफ साहब को देख रही है, तो आसिफ साहब लगता अंदर आ रहे हैं। चलो अभी हम भी जाते हैं उधर ही जाके देखते हैं आसिफ साहब का, हो सकता है एंट्री भी हमें वीडियो बनाने मिल जाए। बाकी इतना भीड़ है चांसेस तो नहीं है, फिर भी हम घुसेंगे। और देखिए ये आसिफ साहब आ चुके हैं, ये कितनी पब्लिक है यहाँ और पब्लिक कैसे हाथ हिला रही है, खड़े होकर देख रही है। आप सर लग रहे पब्लिक अब नाचेंगे, पब्लिक नाचने वाली है क्योंकि आसिफ साहब आने के बाद तो माहौल कुछ और ही होगा। और ये देखो पब्लिक पूरा नाच रहा है, दबा के नाच रही है, पूरी पब्लिक नाच रही है और हम भी थोड़ा नाच लेते हैं क्योंकि इधर अभी पीछे से एक गाना बज रहा है जिसको हमने दिखाया लगाई नहीं स्क्रीन पर, क्योंकि गाना बज रहा है इसके लिए पब्लिक पूरा नाच रही है, ढोल ताशे के साथ में नाच रहे हैं। आसिफ साहब का इस्तकबाल हो रहा है, दिख नहीं रहे फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसिफ साहब आ चुके हैं, आसिफ साहब आ चुके हैं, पूरा स्टेज पे जा चुके हैं, फिर भी हम स्क्रीन को जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए आसिफ साहब दिख रहे हैं आपको, जूम करके हम दिखा रहे हैं, आसिफ साहब दिखे। और अभी हमें जाना होगा क्योंकि बाहर पब्लिक देखो कितना है, तो ज़्यादा पब्लिक हो जाएंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, हमें भी रिक्शा चलाना है, हमें भी धंधा करना है, जुमे का दिन है, धंधा करना है, इसके लिए हमें जाना होगा।